हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन योर ओन चैनल लर्न एवरीथिंग। सो असी कर रहे सी स्टैटिकल फिजिक्स, जिदे विच तुहानू नैक्सट जो करवावांगी इहदे विच कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स चल रहे सी। कल एक वीडियो अपलोड की सी, नैक्सट जिहड़ी आ हुण असी उहदे विच देखदे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ां डिस्कस करांगे। ठीक है, चैप्टर तो हो गया, कुछ फिनिश टच दे रहे हैं। सो देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल गल करते हैं क्लासीकल स्टैटिक्स की। इन्हें रिविजन भी हो रही है, एक जो तुसीं पढ़िया उहदी रिविजन भी हो रही है। क्लासीकल स्टैटिक्स के आप डील करते हैं जो पार्टीकल देखते हैं, डिस्टिंग्विशल लेने हैं, तो जो अवेलेबल वॉल्यूम आ मतलब किसी भी फेस स्पेस सैल का कैन बी स्मॉल एज वी डिजायर। पढ़िया सी ना असी एम बी दे विच भी गल करते कि जिहड़ा स्पेस सैल जी हैगी जो फेस स्पेस सैल वॉल्यूम जिन्ना चाहो उन्ना घट ले सकते हो, एंड जो नंबर ऑफ पार्टीकल कैन ऑक्यूपाई अ सैल, तो एनी नंबर ऑफ पार्टीकल मतलब किन्ने भी नंबर ऑफ पार्टीकल आ सकते हैं किसी सैल के। पार्टीकल की सके डिस्टिंग्विशल, ठीक है, डिस्टिंग्विशल पार्टीकल ले आप, ठीक है जी। नैक्सट असी क्या कि जो फेस स्पेस सैल आ जिन्ना असी चाहिए जिनी सा डिजायर उन्ना उन्होंने स्मॉल कर सकते हो, जिन्ना चाहो उन्ना स्मॉल कर सकते हो। एंड एनी नंबर ऑफ पार्टीकल्स मतलब किन्ने भी पार्टीकल्स जोड़े ऑक्यूपाई कर सकते किसी सैल में। डिस्टिंग्विशल स्पेस सैल की की गल, तो पी तो असी पार्टीकल्स की गल की कि किन्ने भी नंबर ऑफ पार्टीकल्स जोड़े ऑक्यूपाई कर सकते हैं। ये नैक्सट है ये पॉइंट अगे कि नंबर ऑफ जो फेस स्पेस सैल है नॉट लिमिटेड, और लिमिटेड बिल्कुल भी नहीं है, इस लिमिटेड नहीं है। तो ही असी गल कही ना कि एनी नंबर ऑफ पार्टीकल अच मैक्रोस्टेट जीडिया हैव मोर दैन वन माइक्रोस्टेट ऑबवियसली ना तुम डिस्टिंग्विश, ये तो मैं कल भी दस पार्टीकल डिस्टिंग्विशल है, दैन एक माइक्रोस्टेट बहुत सारिया मैक्रोस्टेट होंगे, बट तुम्हें पता है जे पार्टीकल इनडिस्टिंग्विशल हो दैन मैक्रोस्टेट के एक ही माइक्रोस्टेट होंगी। एंड ये जो मेन पॉइंट की याद रखने वाला है, इट डू नॉट अज्यूम द क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, इस एनर्जी का क्वांटाइजेशन आप डील नहीं करते। उस तो बाद गल करते हैं क्वांटम स्टैटिक्स की, ये तो उल्ट चलेगा बिल्कुल जी। इड इनडिस्टिंग्विशल पार्टीकल होंगे, अवेलेबल वॉल्यूम जोड़ा है वो लैस दैन एच क्यूब नहीं हो सकता, उस तो आप जिन्ना समॉल चाहिए कर सकते सके, है ना, बट क्वांटम से इदा नहीं होंगे। इन वन ऑफ द क्वांटम स्टैटिक्स, देखो क्वांटम के दो असी बी ते एफ डी की गल करते हैं, जे असी एफ डी की गल करिए नो सैल कंटेन मोर दैन वन पार्टीकल, मतलब एक सैल के अंदर एक पार्टीकल तो ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ जो फेस स्पेस सैल है वो भी लिमिटेड रहेंगे, ये लिमिटेड नहीं सके, ये लिमिटेड हो गए। तो हूँ देखो पार्टीकल इनडिस्टिंग्विशबल आ, सो एक माइक्रोस्टेट के एक ही माइक्रोस्टेट होगी। कल भी गल मैं बारे समझा चुकी हूँ, तो जिदा क्लासीकल मैकेनिक क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी के डील नहीं करती सी, ये असी क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी को डील करते हैं। उस तो बाद असी गल करते हैं बी ई स्टैटिक्स की। बी ई दे विच की है, देखो हुण एनी नंबर ऑफ पार्टीकल्स कैन ऑक्यूपाई अ सैल, एप्लीकेबल टू पार्टीकल विद इंटैगरल स्पिन, जैसे सिंग स्पिन इंटैगरल होएगी द वन टू, ठीक है, इंटैगरल होएगी। एंड विच याद कि देखो पेपर च क्वेश्चन बनेगा पॉली एक्सकलूजन तो बनया भी होया सी, इहदे विच पॉली एक्सकलूजन जिहड़ा प्रिंसीपल है पार्टीकल ओबे नहीं करते, बट एफ डी च की होएगा वो बे करनगे, ठीक है। ये की सगा एक सैल के जिदा हम एफ डी का केस दसिया कि एक सैल के एक तो ज़्यादा पार्टीकल नहीं आएंगे, सो ये तो यही है कि ईच सैल कंटेन ओनली वन पार्टीकल, ठीक है। तो एक ये हो रहा है कि ये इंटैगरल स्पिन वाले लेने, ये असी कि लेने हाफ इंटैगरल स्पिन वाले, तो पार्टीकल पॉली एक्सकलूजन जो प्रिंसीपल है वो बे करेंगे। सो एक बार रिवाइज कर लें कि बी दे कहता पाया है कि एनी नंबर ऑफ पार्टीकल ऑक्यूपाई कर सकते सैल में, बट ये सिर्फ एको ही पार्टीकल कर सकता है, ये इंटैगरल स्पिन लेनी हाफ इंटैगरल, इतने पॉली एक्सकलूजन प्रिंसीपल ओबे नहीं होना, तो एफ डी वाले ओबे करेंगे, क्लीयर। नैक्सट है क्लासीकल स्टैटिक इज़ अ स्पैशल केस ऑफ क्वांटम स्टैटिक्स, जिहड़ी क्लासीकल हैगी है ना स्टैटिक्स, एक क्वांटम स्टैटिक्स का एक स्पैशल केस है फॉर अ वैरी स्मॉल वैल्यू ऑफ ऑक्यूपेशन इंडैक्स, जो ऑक्यूपेशन इंडैक्स जो है एन आई अपॉन जी एन जी आई, जो ये बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाता, बहुत ज़्यादा स्मॉल होने की होंगे क्लासीकल स्टैटिक्स जी स्पैशल केस है क्वांटम स्टैटिक्स का, कहना जिन्हों का ऑक्यूपेशन इंडैक्स की है बहुत ज़्यादा घट। Thus, assuming the occupation index is small, quantum statics can be used to explain the behavior of gas molecule. So, quantum mechanics statics में आप कितने ना कितने explain करने लिए use करते behavior of gas molecules, क्यों, क्योंकि उस occupation index से आप small दी गल करते हैं। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ऑक्यूपेशन इंडेक्स कैन बी मोर दैन वन ओनली इन केस ऑफ बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स, सिर्फ इको ही है बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स का केस जिद ऑक्यूपेशन इंडैक्स जोड़ा वो एक तो ज़्यादा भी हो सकता है, क्लीयर। सो इन याद रखना पूछा जा सकता ऑक्यूपेशन इंडैक्स किस केस के मोर दैन वन हो सकता है, दैट इज़ ओनली इन द केस ऑफ बोस आइंस्टीन। नैक्सट इज
it is not the case of Wolf-Termin statics because we are able to distinguish the particle. Asi tanu pata Wolf-Termin statics de vich particle distinguishable hai gene hai na classical de vich gal karde hai te number of cell may be very small jinna desire chahiye unni small kar sakde ha na. In fact in case of ambistatistics the occupation index tends to zero. So ode vich ta tends zero nu karda hai. So ida case ta hoya nahi na ich ta assi more than 1 di gal kiti ich ta occupation index tends karda zero nu. ठीक है. सो इन केस ऑफ जे असी एफ डी स्टैटिक्स की गल करिए पार्टिकल ओबे करते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसीपल नो ते कोई भी सैल च एक तो ज़्यादा पार्टिकल नहीं हुंदा. सो नंबर ऑफ सैल मस्ट बी एटलीस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल बराबर हो गए तो ऑक्यूपेशन इंडेक्स के इक्वल टू आ गया 1. सो सो ऑक्यूपेशन इंडेक्स विद भी आइदर इक्वल और या लैस दैन 1 होगा या इक्वल टू 1 होएगा. सो क्लीयर जी आई होप तुहानू यह गल क्लीयर होगी. सिंपल नोट्स है बीई लिए फॉर्मूला जो ऑक्यूपेशन इंडेक्स का एन आई अपॉन जी आई इन आप इधर लिखते एन आई प्लस जी आई माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन एन आई फैक्टोरियल अपॉन जी आई माइनस 1 मैं पहला भी दस चुकी हाँ. ठीक है. फॉर एफ डी स्टैटिक बी फाइंड बीई लिए असर एफ आई एफ डी लिए वाला रहेगा. ठीक है. ये केस के जो एन आई ग्रेटर दैन जी आई ऑक्यूपेशन इंडेक्स बिकम नैगेटिव विच इज़ मीनिंगलैस ये मीनिंगलैस हैगा. ठीक है. सो बी ई केस का गल की है मोर दैन 1 की भी गल हो सकती है क्योंकि एन आई इज़ ग्रेटर दैन जी आई. सो आंसर की हो जाएगा ग्रेटर दैन 1. मतलब देखो ना असी एन आई अपॉन जी आई करते हैं एन आई इज़ ग्रेटर दैन जी आई जो मैं लैनी हूँ जी आई मान लो 2 है ग्रेटर दैन ए हैगा तो 3 है तो 1. समथिंग आंसर मतलब 1 तो वड्डा आ रहा या इक्वल टू 1 हो सकता इनकेस दोनों बराबर हो जाए. ठीक है. सो इदा असं यदि वैल्यूज़ जो आप देख लें. नैक्सट हैगा जी अकॉर्डिंग टू एमबी स्टैटिस्टिक्स जे असी एमबी स्टैटिस्टिक्स की गल करिए एनर्जी ऑफ पार्टिकल एट 0 केल्विन एनर्जी ऑफ पार्टिकल एट 0 केल्विन इज 0 यानी एमबी के केस के 0 केल्विन तो एनर्जी भी की होएगी 0 होएगी. बट जे असी एफ डी केस की गल करिए द पार्टिकल पोजेस एनर्जी अप टू फर्मी लैवल. फर्मी लैवल मैं तुम्हें दसिया कि इदा एनर्जी लैवल हों जो तो अवा सारे फील्ड होंगे ने मतलब 0 केल्विन तो नीचे वाले सारे वेकेंट होंगे ने ये किया फर्मी लैवल इन लैवल बिलो विच ऑल स्टेट आर सॉरी बिलो विच सारिया फील्ड होनगियां तो जड़िया अवाबा वो वेकेंट हो. ठीक है. एक इदा एनर्जी लो बिलो विच ऑल स्टेट्स आर कंप्लीटली फिल्ड हो. सो यू पता होना चाहिए एम बी के 0 के केस 0 होएगा बट एफ टी के केस के फर्मी लैवल तक जाएगा. जे यू इज़ ग्रेटर दैन यू एफ फर्मी एनर्जी तो ज़्यादा हो जाती ऑक्यूपेशन इंडैक्स 0 हों बट जे यू यू एफ तो घट्ट है तो दैन वैल्यू कि आ जाती 1. ये डायरैक्ट गल् पुछी जा सकती हैं जे ग्रेटर दैन है यू यू एफ तो ऑक्यूपेशन इंडैक्स 0 हो जाता है लैस दैन 1 है जे यू एफ लैस दैन हैगा तो फिर यू यू एफ तो लैस दैन हैगा दैन वैल्यू इक्वल टू 1 होंगी है. ये अपने नोट्स इंक्लूड कर लेना इंपॉर्टेंट चीज़ा है ने यही चल रहा कि फर्मी लैवल 0 केल्विन ते कि उपर वाले जिहड़े आ वेकेंट होंगे ने. फर्मी एनर्जी इज़ द एनर्जी ऑफ अपर मोस्ट फील्ड लैवल एट 0 केल्विन इज़ गिवन बाय दिस इज़ द फॉर्मूला एच स्केयर अपॉन 2m3n अपॉन 8πv रेस्ट पावर 2/3. देखो ये एक फॉर्मूला पूछा गया सीगा कोई ना कोई मतलब इस स्टैटिस्टिक्स के विचों. सो असं एक्सपैक्ट करते हैं कि फॉर्मूलेज पूछे जा सकते सो इन्हों ध्यान नाल करना. नैक्सट गल की एट द हाई टैंपरेचर एंड लो कॉन्सेंट्रेशन जो टैंपरेचर हाई हों तो कॉन्सेंट्रेशन लो होंगी उदो बीई तो एफ डी स्टैटिस्टिक्स के इन्हें रिड्यूस कर जाए क्लासिकल में. सो कितने ना कि मैं दसिया से स्पैशल केस हैगा. सो जी ये तो है क्वांटम के सो क्वांटम रिड्यूस कर जाएगा क्लासिकल कदों करेगा जो टैंपरेचर हाई करोगे तो कॉन्सेंट्रेशन लो करोगे. नैक्सट गल हों एम बी स्टैटिस्टिक्स की यह प्रोवाइड कर दी सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी एंड वेलोसिटी ऑफ आइडियल गैस मॉलिक्यूल मतलब किदा एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है एंड वेलोसिटी ऑफ आइडियल गैसिज मॉलिक्यूल्स की. देयर आर अदर सिस्टम लाइक फोटोन्स इन कॉन्सटेंट टैंपरेचर एंड क्लोजर एंड कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन द मैटल दे ऑल्सो हैव कॉन्टीन्यूस रेंडम मूवमेंट एंड म्यूचुअल इंट्रैक्शन बिटवीन दैम कैन बी डिसरिगार्डेड एज द केस विद द गैस मॉलीक्यूल. सो असी गैस मॉलीक्यूल के केस नाल डिसरिगार्डेड करते हैं जो असं गल करते हैं कॉन्टीन्यूस रेंडम मोशन तो म्यूचुअल इंट्रैक्शन की दैट इज़ वाई दे ऑफ्टन टर्म एज फोटोन गैस एंड इलेक्ट्रॉन गैस. सो इन असी की नाम दे दें फोटोन गैस तो इलेक्ट्रॉन गैस का भी नाम दे दें. बट जे असी गल करिए देयर एनर्जी स्पैक्ट्रम कैन नॉट बी एक्सप्लेन इन द एमबी स्टैटिक्स जो असं एमबी स्टैटिक्स के नहीं एक्सप्लेन करेंगे. फिर देखा गया कि जो इलेक्ट्रॉन गैस से फोटोन गैस सिस्टम आ और डोमीनेट करते हैं बाय अदर कॉन्सट्रेंट लाइक इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल इन तो देखा जाएगा या अनसर्टेनिटी प्रिंसीपल या पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसीपल तो. सो इनू काउंट करने लिए आप बोस आइंस्टीन फर्मी डिराक जी स्टैटिक्स डिवेलप करते हैं जिन्होंने आप फिर क्वांटम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं.
ठीक है, एज द नेम अप्लाइज एनर्जी स्टेट इन फोनोन फोटोन गैस एंड इलेक्ट्रॉन गैस आर एज्यूम टू बी डिस्क्रीट और क्वांटाइज। सो ये यही गल की है कि एम्बी स्टैटिक सैटिस्फैक्टरी इन एक्सप्लेनेशन दे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी की। ठीक है, फिर उन्हें गल की है जो कॉन्टीन्यूस मूवमेंट से म्यूचुअल इंट्रैक्शन की, तो फिर डिसरिगार्डेड हो जाता केस ऑफ गैस मॉलीक्यूल, इसी करके असी फोटोन गैस या इलेक्ट्रॉन गैस भी कहें। ठीक है, बट जो ये जो फोटोन गैस या सिस्टम डोमीनेट करते किसी होर कंस्ट्रेन नाल, मतलब कोई होर कंडीशन नाल, लाइक पार्टिकल की इनडिस्टिंग्विशबिलिटी या अनसर्टेनिटी प्रिंसीपल पॉली, इदा के जो करते हैं, फिर आप बोस आइंस्टीन या फर्मी डिराक जोड़े आ उन्होंने डिवलप करते हैं, उन्होंने डील करते हैं क्वांटम स्टैटिस्टिक्स की गल कर लग पाने। ठीक है, सो क्वांटम के गल चल जाती है। नैक्सट हैगा जी साढ़े को जो एन आई लैस लैस दैन जी आई हैगा तो पॉली एक्सकलूजन डज नॉट प्ले एनी सिग्नीफिकेंस रोल, जो मतलब तेरे को नंबर ऑफ पार्टिकल जो कंपार्टमेंट अगर जो सैल्स की डिवीजन तो बहुत घट हो जाते हैं, तो जोड़ा सा पॉली एक्सकलूजन जो प्रिंसीपल है वो सिग्नीफिकेंट रोल नहीं प्ले करता है। ठीक है, इन डिसाइडिंग द बिहेवियर ऑफ फर्मियोन्स की फर्मियोन का बिहेवियर किदा का, बिकॉज चांस ऑफ टू और मोर पार्टिकल ऑकूपाई द सेम सैल साइमल्टेनियसली आर ऑलमोस्ट निगलीजिबल। सो ये बिल्कुल केस निगलीजिबल होने करके तुम मेन याद ये रखियो कि एन आई जो लैस लैस दैन जी आई आ तो साढ़े को पॉली एक्सकलूजन जो प्रिंसीपल आ कोई सिग्नीफिकेंट रोल नहीं प्ले करेगा ये डिसाइड कर कि फर्मियोन्स बिहेवियर किदा का फर्मियोन्स का। ठीक है जी, नैक्सट है एट जीरो कैलविन एनर्जी ऑफ इलैक्ट्रॉन विच ओबे एफ डी स्टैटिटिक्स, मतलब जीरो कैलविन ते जिहड़ी एनर्जी आ इलैक्ट्रॉन्स की जिहड़ी एफ डी स्टैटिक्स नूं ओबे करदी है जीरो नहीं होंदी, बट आपां पढ़िया ना एमबी दे केस च जीरो होंदी है, देयरफोर इलैक्ट्रॉन कैन नॉट बी एट रेस्ट। इस तो आपां कहिंदे क्योंकि वो देखो जीरो तो हो ही नहीं, दैट मीनस वो रेस्ट ते है नहीं गए, तो एवरेज स्पीड ऑफ इलैक्ट्रॉन एट एबसल्यूट जीरो भी अबाउट किन्नी होंदी 75% ऑफ द स्पीड ऑफ कोरसपोंडिंग फर्मी एनर्जी लैवल। सो एफ डी ने सानू क्वांटम्स दे विच डील की जो किया, क्लासीकल तो आपां जीरो कह दिता बट जो मैकेनिक इच गए आप फिर नहीं गल हुई। एट जीरो कैलविन द इलैक्ट्रॉन इनसाइड द मैटल हैव एनर्जी इक्वल और लैस दैन द फर्मी एनर्जी लैवल। सो जीरो कैलविन तो इन्ना जरूर है कि जो इलैक्ट्रॉन होंगे किसी मैटल के अंदर जो इलैक्ट्रॉन आ उन्होंने एनर्जी या इक्वल होएगी या लैस होएगी फर्मी एनर्जी लैवल नालों। ठीक है, मतलब कि फर्मी दे नालों एनर्जी या तो लैस होएगी या इक्वल होएगी जो जीरो कैलविन पर आ किसी भी मैटल के इलैक्ट्रॉन। नैक्सट हैगा ग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्मियोन एट जीरो। सो एक ग्राफिकल रीप्रजेंटेशन की है नंबर ऑफ पार्टिकल पोजैसिंग द एनर्जी बिलो द फर्मी बिलो द फर्मी एनर्जी यू एफ इनक्रीजिज एज यू इनक्रीजिज, हाउएवर नो फर्मियन पोजेस द एनर्जी मोर दैन यू एफ, मतलब किसी भी फर्मियन की एनर्जी जी है यू एफ तो ज़्यादा नहीं होएगी। ओनली द ओपनिंग एक्ट एज द परफेक्टली, सो ये नहीं करना तुम वाइट बिकॉज आई जर ये दोनों क्वेश्चन नहीं करने, जस्ट इतने तक तुम करो कि एम सी क्यूज देखते हो। आप एम सी क्यूज हैगा इन विच स्टैटिटिक्स द ऑक्यूपेशन इंडेक्स टेंस टू जीरो। ठीक है जी, ओकूपेशन इंडैक्स के टेंस करता है जीरो। हाँ जी, ऑप्शन है कि एम बी एफ डी बोस आइंस्टीन नन ऑफ दिस, ओबियसली एम बी दे विच वो जो अटेंड करता है। यस, नैक्सट क्वेश्चन से मूव ऑन करते हैं। नैक्सट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट रिक्वायरमेंट फॉर द फॉर कंसिडरिंग द आइडेंटिकल पार्टिकल एज द डिस्टिंग्विशबल, गल डिस्टिंग्विशबल की हो रही है, दैट मीनस क्लासिकल के एम बी की गल हो रही है कितना कितना, तो वो रिक्वायरमेंट तुम्हें देखनी की है। ऑक्यूपेशन इंडैक्स शुड बी अबाउट वन, नो वो तो वन ही होंगे, दैट इज अप्रोच टू जीरो। तो नंबर ऑफ सैल इन एनी कंपार्टमेंट शुड बी वैरी लार्ज दैन द नंबर ऑफ पार्टिकल इन इट, कि जेडे नंबर ऑफ सेल्स है दैट इज़ वेरी लार्ज एज कंपैरिजन टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन इट, या अवेलेबल वॉल्यूम शुड बी कंपेरेबल होना चाहिए, ये भी कंडीशन नहीं सी, सिस्टम शुड बी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम नहीं। सो ये वाली कंडीशन होल्ड करेगी जिदे विच एन आई के सीगा काफ़ी घट सीगा ते जी आई काफ़ी ज़्यादा सी, सो ये वाली कंडीशन होल्ड कर जाएगी। ठीक है, सो तुसी जे तुहानू पेपर च भुल जावे डिस्टिंग्विशबल पता ये भी घट हो जाएगा, इहदी गल नहीं सी, तां डिजायरेबल जिन्ना छोटा चाहिए उन्ना कर सकते सीगे, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम दी तां बिल्कुल गल नहीं हुई। सो यही ऑप्शन बचता उद्दा भी जे तुहानू नहीं भी याद रहे तां। ऑक्यूपेशन इंडैक्स शुड बी लैस दैन वन बोथ फॉर, अच्छा वन लैस दैन वन की गल कि होंगी है, ओबियसली दोवों के ही होंगी है एम बी तो एफ डी, बी ई के केस के नहीं, हमने मैं तुम्हें पढ़ा के अड्डी ना आप बी ई का केस की गल की सी कि वन होंगे कि लैस दैन वन होंगे सके ना। सो आप क्या वन मोर दैन वन तो एक ही केस बनता है ना बोस आइंस्टीन का, सो बोस आइंस्टीन तो आएगा नहीं, सो कि ऑप्शन आ गया ए एम बी एफ डी। सो इतने थोड़े नाल एवैल्यूएशन भी हो जाती है। विच ऑफ द फॉलिंग इज नॉट करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ फर्मियोन एट एबसल्यूट जीरो, अच्छा जी फर्मियोन्स की गल कर दी उन्हें, हुन ऑक्यूपेशन इंडैक्स अप टू फर्मी लैवल इज़ वन, इदा की गल तो हो ही नहीं हैगी, अप टू फर्मी लैवल असी वन की गल की ही नहीं सी, ऑल द एनर्जी लैवल बिलो द फर्मी आर कंप्लीटली फिल्ड,
जिहड़े फर्मी लैवल तो नीचे वाले एनर्जी लैवल आ कंप्लीटली फिल्ड होणगे। ठीक है, असीं गल कीती है कि फर्मी लैवल इदां दा हुंदा आ कि जिहदे नीचे वाले फील्ड हुंदे, बट कहते गल कीती सी जीरो कैलविन ते, हुण तां उह तां गल बोलदा पिआ फर्मी ऑन दी करैक्टरिस्टिक्स दी कि सारे फर्मी ऑनस आर इन द फर्मी ऑल द फर्मी ऑनस आर इन द फर्मी एनर्जी लैवल। हाँ जी, ये गल बिल्कुल सही है, सारे फर्मी ऑनस जिहड़े फर्मी एनर्जी लैवल दे विच ही हुंदे। ठीक है, सारे मैक्सिमम नहीं, सारे सारे जिहड़े आ फर्मी ऑनस किहदे च हुंदे आ, फर्मी एनर्जी लैवल च ही हुंदे। नैक्सट क्वेश्चन देखो, वट लिमिट द साइज ऑफ, हाँ जी, साइज ऑफ फेस स्पेस सैल कौन लिमिट करता है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर ऑफ योर फॉलोइंग, इन्हां विचों दसना हैगा आ प्रिंसीपल ऑफ अनसर्टेनिटी। ये तुहानूं इहदे विच याद रख लो कि प्रिंसीपल ऑफ अनसर्टेनिटी जिहड़ा वो लिमिट करता है साइज ऑफ फेस स्पेस सैल नूं। वट रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ पार्टीकल दैट कैन ऑक्यूपाई स्पेस सैल, मतलब किन्ने फेस स्पेस सैल दे विच पार्टीकल होणगे नहीं होणगे, ये कौन डिसाइड करता है, ये जी पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसीपल करता, वो अकॉर्डिंग कुछ ओबे करते हैं कुछ नहीं ओबे करते हैं। द नंबर ऑफ मीनिंगफुल वे इन विच फोर फर्मीओन्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन फाइव कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट हैगे फाइव, फोर हैगे फर्मीओन। ठीक है, सो फोर फर्मीओन आ, पार्टीकल इनडिस्टिंग्विशेबल आ, सो सिर्फ एक वधेगा, फोर प्लस वन किन्ना आ जाएगा साढ़े को फाइव आएगा। ठीक है, द नंबर ऑफ मीनिंगफुल वे इन विच फाइव बोजोन कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन फोर सैल, फाइव फर्मीओन्स, मीनिंगफुल का मैं तुहानूं मैथड फॉर्मूला भी दस्या होया ना, तुसीं उस तरीके नाल भी कढ सकदे हो मीनिंगफुल का, मैं तुहानूं दस्या सीगा फर्मीओन दे केस यानी एफ डी दे विच, बोजोन दे केस विच बी ई दा केस, तुसीं उस फॉर्मूले नाल लगा के भी कढ सकदे हो। ठीक है, सो इहदे केस दे विच इहदा 3.26 नहीं आना, नहीं आना डी ऑप्शन आ जाना। एम बी बी ई एफ टी लीड्स टू अ सिमिलर रिजल्ट, ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਿਮਿਲਰ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕੋ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਐਨ ਆਈ ਲੈਸ ਦੈਨ ਜੀ ਆਈ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਸੇਮ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੇਸ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਮੀਨਿੰਗਫੁੱਲ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਥ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਮੀਨਿੰਗਫੁੱਲ ਲਈ ਫਾਇੰਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਾਇੰਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਐਨ ਆਈ ਪਲੱਸ ਜੀ ਆਈ ਵਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਸੀਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਲੈਣਾ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਥੈਂਕਸ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ ਦ ਵੀਡੀਓ।